नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। पर्यटन नगरी नैनीताल के सभी धार्मिक स्थल 30 जून तक बंद रहेंगे। जहां प्रशासन के साथ एक बैठक में धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं ने यह निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई से तमाम धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल के सभी धार्मिक स्थल 30 जून तक बंद रहेंगे। प्रशासन के साथ एक बैठक में धार्मिक स्थल के धर्म गुरुओं ने यह निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई से धार्मिक स्थलों को खोला जिसके मुताबिक 1 जुलाई से धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल के नैना देवी मंदिर परिसर में सभी धार्मिक स्थलों के गुरुओं और प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के मुखिया समेत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि आगामी 30 जून तक सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने बताया कि गाइडलाइन के पालन में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिसके स्पष्टीकरण के लिए सभी धर्मों के लोगों को यहां बुलाकर एक बैठक कराई गई। समिति का कहना है कि प्रशासन की गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से व्यावहारिक नहीं है। 8 तारीख से भारत सरकार द्वारा धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है, और उसी सिलसिले में क्योंकि बहुत दबाव थे, हर धर्म के जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने उस पर दबाव डाल रहे हैं कि मंदिर वही धार्मिक स्थल खोले जाएं, लेकिन गाइडलाइंस के आलोक में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उसको उसके स्पष्टीकरण के लिए आज हमने सब धर्मों के लोगों की यहाँ बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रशासन के लोग विनोद कुमार जी और CEO सिटी थापा जी वगैरह तमाम लोग आए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। नैना देवी ट्रस्ट के माध्यम से समस्त जो धर्मगुरु थे उनके बीच में एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। तो उसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइन है धार्मिक स्थलों को खुलने को लेके और उसके प्रबंधन को लेके जो गाइडलाइन थी, उससे सभी को अवगत कराया गया है। और अवगत कराने के बाद समस्त जो धार्मिक हमारे धर्मगुरु हैं उनको ये अनुरोध किया गया है कि इसके अकॉर्डिंग वो अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं समिति ने बताया कि अस्पष्ट नियमों को दोबारा प्रशासन से पूछा जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक चलने का अनुरोध धर्म गुरुओं से किया गया है।